मैंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखी है। मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर थे और हमारे पास खाने तक को पैसा नहीं हुआ करता था। मेरी मदर लोगों के घर में मेड का काम करती थी ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा पाएं। और हम इतने गरीब थे कि हमें ये तक नहीं पता होता था कि कल हम रोटी खा पाएंगे या नहीं। और दिन ब दिन घर की हालत खराब होती जा रही थी। और धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो लाइफ में क्या करना है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। जब भी मैं अपने आसपास लोगों को देखता रहता बस यही सोचता कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा। फिर एक रास्ता मिला, एक उम्मीद मिली, एक ऐसा तरीका मिला जिससे मैंने 2 साल में उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया और देखते ही देखते मैंने 200 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। एंड आई बिलीव मी, ये सब आप भी कर सकते हैं। देखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके अभी के अभी कोर्स ज्वाइन करें। चेंज योर लाइफ नाउ। देखो, हम लोग जिंदगी में जितने ज्यादा अनसक्सेसफुल हैं, दुखी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उतने ही ज्यादा आप ये फेक गुरुज जितने भी जो कोर्स चला रहे हैं उनके लिए आप एक टारगेट ऑडियंस हो और कुछ भी नहीं। इनका ये जो बिजनेस मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ होप पे चलता है। चाहे ये खुद कितने भी बड़े लॉस में हो, ये फिर भी आपको अपने सोशल मीडिया पर लाखों के करोड़ों के फेक स्क्रीनशॉट, फेक पीएनएल आपको शो करेंगे और आपको बेसिकली आपके सपने बेचने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ होती है, जो भी आपकी ड्रीम कार होती है, जो भी आप घर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब आपको मिल सकता है। इस तरीके का आपको मोटिवेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन 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 एक एंटरप्रेन्योर का कोर्स लेकर आप कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एक यूट्यूबर का कोर्स लेकर आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। सेम उसी तरीके से आप अगर स्टॉक का कोर्स लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी अपना पैसा डबल नहीं कर पाओगे। सेम उसी तरीके से अगर आप FNO का कोर्स खरीदते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स खरीदते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको मार्केट को समझना है, मार्केट में काम करना है, तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। और ये लोग जो भी आपको कोर्स बेच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका चार्ट है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रेटजी यहाँ काम करेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, इन सब के ऊपर बात हो सकती है। बट आपको कभी ये साइकोलॉजी के ऊपर आपको नहीं सिखा सकते। देखो, इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, इनका सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो झूठ सच लगने लगे। ये आपको इस तरीके से इतना मोटिवेट करेंगे कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए पैसा कमा सकते हैं, आप इतने करोड़पति बन सकते हैं, आप इतने सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ये एक नाटक होता है, और नाटक किस तरीके से किया जाता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इसमें मेन पार्ट है स्टोरी टेलिंग, कि आप किस तरीके से अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि मैं पहले बहुत गरीब था पर मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और मैं आज करोड़ों रुपये का मालिक हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे ही यूट्यूब चैनल से एक ऐड देखी जिसमें एक करोड़पति इंसान ये बता रहा है कि आप इस तरीके से अमीर हो सकते हैं, इस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लिमिटेड सीट, लिमिटेड ऑफर, कूपन कोड्स, इस तरीके से जानकर आपके सामने एक ऑफर्स रखते हैं कि मान लो आप अपने दोस्त से इस कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं या आप इस कोर्स के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वेट, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस वक्त आपको ये डिस्काउंट इतना बड़ा लगेगा कि मान लेते हैं कि एक फिन इन्फ्लुएंसर 10,000 रुपये का कोर्स बेच रहा है और वो कह रहा है कि फर्स्ट 1,000 लोगों के लिए मैंने ऑफर रखा हुआ है, आपको 2,000 रुपये सस्ता कोर्स मिल जाएगा, 8,000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, तो ये ऑफर आपको इतना एट्रैक्टिव लगेगा कि आप बिना सोचे वो कोर्स परचेज कर लोगे। यही इन लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि आप लोगों को सोचने का वक्त नहीं दिया जाए, तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड निकालो, पेटीएम निकालो और इनका फटाफट पेमेंट करके कोर्स परचेज कर लो या फिर सीट बुक कर लो या बुकिंग करवा लो और इसी तरीके से आप इनका कोर्स खरीद लेते हैं। देखिए, ये जितने भी आपके फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर है ये अपने कोर्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ये सारा कुछ, ये सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल सकता है अगर आप रिसर्च करोगे, लेकिन आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। और दूसरा, आपके माइंड में इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट किया जाता है कि फ्री चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि आपको एक कोर्स बेच दिया गया जिसका प्राइस था 5,000 रुपये और आप जैसे ही 2,000 लोगों को ये कोर्स और बेचा गया तो टोटल रेवेन्यू बैठा 1 करोड़ रुपए। तो ये 1 करोड़ रुपए किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे? ये 50 लाख रुपए का एक बड़ा सा घर लेंगे, ये 10 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे, 10 लाख रुपए के ये कपड़े हो गए, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, इस तरीके से ये इन्वेस्ट करेंगे और 20 लाख रुपए ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे और 10 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करके रख लेंगे अपने पास। और जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगी, आलिशान बंगला, बड़ी गाड़ी और ढेर सारा पैसा आपको दिखाकर इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो जहां पहले 2,000 लोगों को ये कोर्स बेचा गया था, तो वहीं ये सब दिखाकर 5,000 लोगों को ये कोर्स बेचा जाएगा। और कोर्स में ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टूल्स सिखाएंगे और इन चीजों से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको मार्केट में काम करना है तो फील्ड में उतरना जरूरी है। सेम उसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन मार्केट में, शेयर बाजार में उतरना है तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। और जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का खेल है, सिर्फ स्किल का गेम नहीं है शेयर मार्केट।
आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे उसको उसकी साइकोलॉजी ने बड़ा बनाया है, और अगर वो अपने स्किल पर काम करते तो वो एक छोटे मोटे ट्रेडर बन के रह जाते। तो सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 89% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है। तो अगर हम 89% जो ट्रेडर हैं उनके एवरेज लॉस की बात करें तो वो लॉस बैठता है 1,10,000 रुपए। और अगर इसमें से हम आउटलायर्स लोगों को निकाल दें जो कि 5% सबसे ज्यादा लॉस में है और 5% सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है, तो हम एवरेज लोगों का एवरेज लॉस की बात करें तो वो बैठता है 50,000 रुपए। और अब हम बात करेंगे जो 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनका प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। और अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं तो उनका प्रॉफिट है 3,400 रुपए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3,400 रुपए। जो डाटा है वो 2022 का है। ये सारा जो डाटा आपने देखा उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? उससे ये समझ में आ रहा है कि 50,000 रुपए गवाया जा रहा है जिनकी तादाद है 89%, और 3,400 रुपए कमाया जा रहा है जिनकी तादाद है 11%। तो समझने वाली बात है कि पैसा कमाया किसने, लेकर कौन गया। तो जो बड़े बड़े लोग हैं FII, DII, AMC, म्यूचुअल फंड, तो ये लोग कमा रहे हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में कमाना है तो दुआ करो कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर आए और अपना पैसा गवाए और 89% बना रहे। तो इसी चक्कर में जो पैसा बनाकर जाएंगे ना, वो बनाकर जाएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो पैसा है ये देश के बाहर जा रहा है। तो ये जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास, ट्रेडर पैसा नहीं कमा रहे। और जब आप शेयर मार्केट में उतर ही चुके हैं तो थोड़ा सा आप डीमैट अकाउंट्स की भी स्टोरी सुन लीजिए कि डीमैट अकाउंट का क्या बिजनेस मॉडल होता है। तो शेयर मार्केट में तीन तरीके के लोग आते हैं। एक वो जो पहले दिन से आते हैं और अपनी बहुत सारी उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं शेयर मार्केट में 10,000 लगाकर 1,00,000 रुपए कमा लूंगा, और वो आते हैं शेयर मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं और अपना पैसा लॉस करके चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो सीख कर आते हैं, जो अपना प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद कुछ बड़ा लॉस ले लेते हैं और ओवरऑल वो लॉस में ही रहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है वो लोग जो कि प्रॉपर मार्केट में आता है, सीखता है, ट्रेडिंग करता है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करता है, प्रॉफिट करता है, लॉस करता है, किनारे पर होता है, ना प्रॉफिट में होता है ना लॉस में होता है। और ये जो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये तीनों कैटेगरी में एक चीज कॉमन है कि तीनों पे ब्रोकरेज तो लगता है। और अगर हम तीनों पे अगर ब्रोकरेज लगा दिया जाए तो ये तीनों तरीके के लोग लॉस में ही आपको मिलेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग पहला स्टेप तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जितने भी शेयर मार्केट में बिगिनर्स लोग हैं जिनकी जिनका एक्सपीरियंस 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए और बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उनको पहले शेयर मार्केट में सीखना चाहिए, इन्वेस्टिंग से सीखना चाहिए, स्टॉक ट्रेडिंग से सीखना चाहिए, और कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और मैं अगर आपके फेवरेट फिन इन्फ्लुएंसर की बात करूं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करके शेयर मार्केट में लाकर अपना ब्रोकरेज कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग के एडवाइस वगैरह देते हैं, तो सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा कि यूट्यूब उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है जहाँ पे उनको बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यूट्यूब पे आए हुए सिर्फ 3 महीना हुआ है, और उसी 3 महीने में मैं आपका रिएक्शन जानता हूँ, आपका हर इमोशन मुझे पता है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप कितनी देर तक मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आपको मेरी वीडियोज़ में क्या पसंद आता है, ये सारा कुछ मुझे पता है क्योंकि ये सब YouTube पे डाटा अवेलेबल है। उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लोग आपको कस्टमर समझते हैं और आपको प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि पैसा आपका है, मर्जी आपकी होनी चाहिए, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाता है और कैसे आप बना सकते हैं। और बेसिकली ये जब तक डाटा आप नहीं समझेंगे तो आप अवेयर नहीं हो पाएंगे कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि आप अवेयर हो पाए और ऐसे लोगों से दूर रहें, और भरोसा आप किसी पर भी ना करें, मुझ पर भी ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें क्लियर हो पाई होंगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या पैसा बनाया जा सकता है, कि आप फिन इन्फ्लुएंसर किस तरीके से अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस चला रहे हैं और आपको किस तरीके से रिएक्ट कर। तो प्यार देने के लिए शुक्रिया, मैं आपको मिलता हूं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।